इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के राफा में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना ने सोमवार तड़के ऐलान किया कि 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान हमास द्वारा बंधक बनाए गए 2 लोगों को बचा लिया गया है। सेना ने अपने बयान में कहा, एक संयुक्त IDF, ISF और राफा में इजरायल पुलिस के अभियान के दौरान रात में 2 इजरायली बंधकों को बचा लिया गया है। इनमें से एक की उम्र 60 वर्ष बताई गई है तो वहीं दूसरे की उम्र 70 वर्ष बताई गई है। इन लोगों का हमास ने किबुतज निर यत्याज से अपहरण किया था। बताया गया है कि दोनों बंधकों की हालात अभी ठीक है। उन्हें शेबा तेल होशामेर अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया है। इजरायल और हमास के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ था। बता दें कि हमास के हमलों में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे, जबकि 250 इजरायली को बंधक बना लिया गया था। इनमें से अब भी 130 बंधक हैं, जिनमें से 29 लोगों को मारे जाने की आशंका है। इसके बाद इजरायल ने युद्ध का ऐलान किया और हमास पर पलटवार किया। इस युद्ध में 26,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायल ने गाजा में लगातार हमलों का जवाब दिया है, जिसके बारे में क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कम से कम 28,176 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। राफा दक्षिण गाजा पट्टी का शहर है, जहां अभी गाजा के 13 लाख लोग रहते हैं। आपको बता दें कि UN के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि इस शहर में ज्यादातर वो लोग रह रहे हैं जो गाजा के अन्य हिस्सों से निकाले गए हैं। नेतन्याहू ने पहले इस शहर को हमास के आतंकवादियों का आखिरी गढ़ भी बताया था। इससे पहले इजरायली सुरक्षा बलों ने सैकड़ों मीटर लंबे व आंशिक रूप से UNRWA के गाजा मुख्यालय के नीचे से गुजर रहे एक सुरंग नेटवर्क का पता लगाने का दावा भी किया है। सुरक्षा बलों ने आरोप लगाया कि हमास फलस्तीनियों की मदद के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है। सेना के इंजीनियरों ने विदेशी समाचार संस्थानों के पत्रकारों को उस सुरंग को भी दिखाया। इजरायली सेना ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब संयुक्त राष्ट्र की सहायता इस एजेंसी पर उसके कर्मचारियों के इजरायल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के आरोप लगे हैं। बता दें कि इजरायल के इस आशय रिपोर्ट के बाद अमेरिका समेत करीब दर्जन भर देशों ने UNRWA को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के राफा में ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सेना ने सोमवार तड़के ऐलान किया कि 7 अक्टूबर के हमलों के दौरान हमास द्वारा बंधक बनाए गए 2 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें से एक की उम्र 60 वर्ष बताई गई है तो वहीं दूसरे बंधक की उम्र 70 वर्ष बताई गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।